इस कश्मीर की पवित्र धरती पर श्रीनगर में इसका समापन हो रहा है। ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, संविधान बचाओ यात्रा, लोकतंत्र बचाओ यात्रा। जिस ढंग से आज इस देश में हम भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, हमें धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, जाति के नाम पर बांटा जा रहा है, और माननीय राहुल गांधी जी ये बड़ी सोच अदम्य साहस का सुखद परिणाम निश्चित रूप से आएगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जब जब इस देश में तानाशाही बढ़ी है, सत्ता के सिर पर बैठे लोग निरंकुश हुए हैं, तब तक राहुल गांधी जैसे लोग जन्म लिए हैं। राहुल गांधी जी ने यात्रा प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं किए। राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते तो 2009 में प्रधानमंत्री बन सकते थे और आज तक निरंतर प्रधानमंत्री रहते। लेकिन राहुल गांधी जी उस परिवार से आते हैं जिसके पूर्वजों ने, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, हमारी इंदिरा गांधी जी हो, हमारे राजीव गांधी जी हो, सभी लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, इस मिट्टी में अपना खून बहाया है। इस देश की रक्षा करना, इस देश के लोकतंत्र को बचाना और सांप्रदायिक ताकतों को रोकना हमारा कर्तव्य है। और हम राहुल जी के कंधे से कंधा मिलाकर, हम हेमंत जी के प्रतिनिधि के रूप में, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित होकर ये बताने आए हैं कि हम सभी जो धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हैं वो हम एक हैं। और जनता इस लोकतंत्र में 2024 में अपने जो लोकतंत्र में जनता के पास जो अधिकार है, अपने मत का अधिकार, उस मत के अधिकार का तमाचा ऐसे ताकतों को मारेगी, ऐसा तमाचा मारेगी कि वो दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। और इस सत्ता यहाँ होगी, सरकार होगी वैसी ताकतों की तो जो इस देश को जोड़ कर रख सकते हैं। सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को शान से जीने का राह दिखा सकते हैं। यही कह के अपनी बातों को मैं यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो सुनने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं प्रियंका गांधी जी को यहाँ पे महापुर के वो मंच में आके हमारे स्वागत करें और पहाड़ियों के खड़ करा अध्यक्ष महोदय, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, यहाँ पे उपस्थित तमाम नेता, दूसरी पार्टियों से भी जो नेता आए हैं उन सबको भी और राहुल जी को बहुत बहुत स्वागत और मेरी बधाई। मेरे भाई, शायद सितंबर से 4 या 5 महीनों से पैदल कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक चलने निकले थे। शुरू में मैंने भी सोचा कि बहुत कैसे जाएगी, कैसे होगा, लोग स्वागत करेंगे, क्या होगा। लेकिन जहाँ जहाँ गए, कन्याकुमारी से लेकर यहाँ श्रीनगर तक, जहाँ जहाँ गए तो लोग बाहर आए।
किस लिए आए, किस लिए आए? क्योंकि इस देश में अभी एक जज्बा है, इस देश के संविधान के लिए, इस देश की धरती के लिए, इस देश की अनेकता के लिए एक जज्बा है जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में आज भी है। मैं कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने खुले दिल से हमारा स्वागत किया। जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, मुझे और मेरी माँ को। उन्होंने कहा कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, एक महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि और मुझे लगता है कि जब मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो आकर मुझसे गले लगते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, तो उनका दर्द, उनके जज्बात मेरे सीने में समा रहे हैं। यहां खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहां खड़े होकर मैं कह सकती हूं उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। इसीलिए एक तरह से ये यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, अन्य पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, और ख़ास तौर से उन यात्रियों के लिए और राहुल जी के लिए जो इतने दिन लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले। हम सबका कर्तव्य है कि जिस आधार पे ये देश बना, जिस सत्य, अहिंसा और प्रेम के आधार पर इस देश की नींव डली, उसे हम बचा कर रखें, उसे हम बुलंद करें। वही दिखाकर भारत यात्रियों ने हमें दिखाया, एक रास्ता दिखाया है, प्रेम का रास्ता, एकता का रास्ता, सबको एक साथ लेकर चलने का रास्ता। तो आज यहाँ बर्फ में खड़े हुए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि आपने हमारे देश में एक रोशनी की किरण दिखाई है, और मेरी आशा है कि ये रोशनी पूरे देश में फैलेगी, कि नफरत खत्म होगी और प्रेम ही इस देश को आगे बढ़ाएगा और आप सबको एक साथ जोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अजान हो रही है, थोड़ा रुक जाइए।
आज 30 जनवरी हमारे बापू की महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि का दिन है और इसी दिन हम उनको स्मरण करते हुए मैं मंच के उपस्थित सभी नेताओं को और आप सभी सामने वालों को विनती करूंगी कि उनके स्मरण में हम एक मिनट खड़ा रहेंगे। उसी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में हमारे बहुत महत्वपूर्ण लोग चले गए हैं। पहले महात्मा गांधी जी के लिए 2 मिनट आप सब खड़े रह के श्रद्धांजलि हम देंगे। लोकसभा के हमारे सांसद जो हाल ही में गुजर गए हैं संतोष सिंह जी, महाराष्ट्र से आए हुए सेवा दल के हमारे अध्यक्ष पांडे जी और उनके साथी जो इस हालात में यहाँ पे जिनकी डेथ हो गई, उनके लिए भी हम एक मिनट खड़े रहेंगे। अब हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लुक अर्जुन खड़गे जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहां डाइस पे आके जो मजमा इस बर्फबारी में कांग्रेस के यहां पे जो वर्कर है और बाकी जो सारे लोग आए हैं उनको खताब करें। थैंक यू वेरी मच। साथियों, भारत जोड़ो यात्रा had completed entire यात्रा from कन्याकुमारी to काश्मीर। All over India, Congress workers are electrified due to this yatra. Our leader Rahul Gandhi made it as a grand history of this country. People of India is now saying in one voice, you know that nafrat ke bazaar mein mohabbat mein dukaan kholo. This is the slogan given by Rahul Gandhi. Everybody in India is taking it. Our honorable Congress president has given full strength for this yatra. Now the successful completion of yatra been completed by Rahul Gandhi ji. Congress president will facilitate it. Rahul Gandhi ji. हटो भाई। भारत जोड़ो यात्रा में पधारे हुए मेरे भाइयों और बहनों और इस मंच पे बैठे हुए और भारत जोड़ो यात्रा के जो प्रमुख श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सभी पार्टी के नेता इस मंच पे बैठे हैं, क्षमा करना, समय के अभाव से मैं सभी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं उन सब को याद करते हुए सिर्फ चंद बातें बोलूंगा क्योंकि बर्फ पड़ रही है। ये हम कर्नाटक से आए हैं, ये नई चीज है हमको कि इतना बर्फ पड़े और अब देखे नहीं, एक नया माहौल है।
और खास करके जब राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलने का और भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने निर्णय लिया और चलने का उन्होंने इरादा किया, तब हम लोग घबरा गए थोड़े। अब प्रियंका जी ने ये बात कही कि जब इतना बड़ा फासला जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आज यहां पर हम ठहरे हैं तो हमको घबराहट हो गई, ये कैसा सक्सेस होगा, ये कैसा निर्णय राहुल गांधी जी ने लिया। लेकिन मैं उनके लिए एक शेर कहके शुरू करता हूं। इतना बड़ा लंबा रास्ता उन्होंने जो तय किया तो इसलिए डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो ये उन्होंने जो इतनी बड़ी दूरी कंप्लीट की, इसीलिए मैं हमारे पार्टी के ओर से, सारे जनता के ओर से और सारे लोगों के ओर से उनको बहुत 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 बधाई देता हूं। और उनके साथ जो यात्री चले, रात दिन उनके साथ रहे, बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, इसमें वो चलते हुए उनका साथ दिए 200 से भी अधिक लोग, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं। और से उसी के साथ साथ कश्मीर में मुझे, कश्मीर में जो दो चार दिन में हमको उनके साथ जोड़ने का, लोगों का जो हौसला देखा, स्पीड देखी, तो देखने के बाद हमको ये महसूस हुआ कि कश्मीर के लोग सबसे ज्यादा उदार है, लिबरल है और सबको समेट लेते हैं। ये कश्मीरियत की एक बहुत बड़ी देन है। तो इसलिए दोस्तों मैं यही कहूंगा कि उनकी जो ये यात्रा निकली, ये किसी चुनाव जीतने के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, ये उन्होंने यात्रा निकली नफरत के खिलाफ। आज जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हर जगह नफरत फैला रहे हैं, उस लिए उन्होंने ये तय किया कि नफरत के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे और हर एक से मिलने की उन्होंने कोशिश की, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, टेक्नोलॉजिस्ट के साथ, डॉक्टर के साथ, इंजीनियर्स के साथ और विद्यार्थियों के साथ, छोटे मोटे दुकानदारों के साथ और छोटे मोटे जो रोजगार काम करते हैं उनके साथ, किसानों के साथ, सबसे मिले और बहुत से महिलाओं से, बच्चों से भी मिले। सब कुछ उन्होंने देखा और चल कर देखा, सिर्फ हवा में उड़ के नहीं देखा। जो मोदी साहब हमेशा हवा में ही उड़ते रहते हैं, आज यहाँ है, कल 8 दिन पहले मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर रहे थे वो चुनाव को देखकर। तो वो आज राहुल गांधी जी ने एक सबूत आपको दिया कि वो कन्याकुमारी
से लेकर कश्मीर तक जोड़ सकते हैं और जनता के जो मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, ये सारी चीजों के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी के लोग इस देश में गरीब को गरीब रखना चाहते हैं और अमीर को अमीर बना रहे हैं। 1% लोग इस देश की 10% लोग इस देश के 72% संपत्ति को लूट रहे हैं और 50% लोगों के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। तो इसीलिए हमको इसके खिलाफ लड़ना है और हम लड़ेंगे। खासकर जो कश्मीर की समस्या है, यहां पर उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, जो कश्मीर को हम जन्नत कहते हैं, इस जन्नत को उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया, लेकिन राहुल गांधी जी का इरादा है इसको असेंबली हम बनाएंगे और यहां पर स्टेटहुड लाएंगे और यहां असेंबली बनकर ये स्टेट बनेगा कश्मीर। इसीलिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। समय की कमी रहने की वजह से मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। उनको बहुत बहुत फिर एक बार बधाई देता हूं और वो जो आज सड़क पे लड़े, बहुत लोगों से मिले, प्रेम से मिले और जैसा कि अभी बताया गया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोला और आप भी खोलो। और उसी लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इतने बर्फ होते हुए भी एक होकर जोश के साथ हमारा साथ दिए, उनका साथ दिए। आप सभी को धन्यवाद। और जो ऑल पार्टी के जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो सारे विरोध पार्टी से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भी जो अपोजिशन पार्टी के नेता लोग हमसे जुड़े हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो इतना कहते हुए मैं और कुछ आज कहना नहीं चाहता। आप सभी को बधाई, आप सभी ने हमको देख लिया, हमारे साथ जुड़ गए, इसीलिए आपको फिर एक बार धन्यवाद देते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। आप एक ना भारत जोड़ो, अरे जोर से बोलो, भारत जोड़ो। जय हिंद। राहुल गांधी, राहुल गांधी, आप सबको धन्यवाद। और मैं सभी को फिर एक बार नमस्कार करते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। अब आपके सामने राहुल गांधी जी भाषण करेंगे, उनकी बात आप सुनिए। पहले राहुल गांधी फैसिलिटी कर रहे हैं कांग्रेस फैसिलिटी के लिए। गैप दे दीजिए, थोड़ा जगह बना दीजिए। स्टेज पे वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, विपक्षी दल के वरिष्ठ नेता,
हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आप आज यहां बर्फ में खड़े हैं, मगर आप में से किसी को सर्दी नहीं लग रही है। आप बारिश में खड़े हुए, कोई भीगा नहीं। गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगी, सर्दी में आपको सर्दी नहीं लग रही है, क्योंकि देश की शक्ति आपके साथ है। प्रियंका की बात मैं सुन रहा था, प्रियंका ने कहा मेरे मैसेज के बारे में, प्रियंका ने कहा नॉर्मली होता नहीं है, मगर मेरे आंख में आंसू आए। क्योंकि मैं कन्याकुमारी से चला, शुरुआत की और पूरे देश में हम पैदल चले। मैं सच बताऊं, आपको अजीब लगेगा, मगर मैं बहुत सालों के लिए हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं। तो मैंने सोचा था देश कन्याकुमारी से कश्मीर चलने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। मेरे दिल में था कि आसान होगा, फिजिकली मेरे लिए ये मुश्किल काम, मैंने सोचा था मुश्किल काम नहीं होगा। शायद मैं काफी वर्जिश करता हूं, थोड़ा सा अहंकार आ गया, जैसे आ जाता है। मगर फिर बात बदल गई। जब मैं छोटा था, फुटबॉल खेलता था, और कॉलेज में जब मैं फुटबॉल खेल रहा था, एक बार मुझे बहुत जोरों से घुटने में इंजरी हुई थी। मैं उसको भूल गया था, घुटने में दर्द नहीं होता था, भूल गया था उसको, दर्द गायब हो गया था। मगर कन्याकुमारी से 5-7 दिन बाद घुटने में प्रॉब्लम आई, और जबरदस्त प्रॉब्लम आई, पूरा अहंकार उतर गया, और मैं सोचने लगा क्या मैं ये जो 3,500 किलोमीटर हैं, क्या मैं इनको चल पाऊंगा या नहीं। तो जो मैंने सोचा था आसान काम होगा, वो काफी मुश्किल हो गया। मगर फिर मैंने किसी ना किसी तरीके से ये काम पूरा कर दिया। बहुत कुछ सीखने को मिला,
बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आपको बोलूं तो दर्द सहना पड़ा काफी, मगर सह लिया। और रास्ते में एक दिन मुझे दर्द हो रहा था, काफी दर्द हो रहा था, और मैं सोच रहा था अब 6-7 घंटे और चलने हैं। और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मुश्किल है। और एक छोटी सी बच्ची आई, दौड़ती हुई आई मेरे पास और मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मगर तुम अभी मत पढ़ो, इसको बाद में पढ़ना। और फिर वो मुझे गले लग के भाग गई। फिर मैंने सोचा अब पढ़ता हूं क्या लिखा है। तो उसने लिखा था कि मुझे दिख रहा है कि आपके घुटने में दर्द है, क्योंकि आप जब उस पैर पे वजन डालते हो तो आपके चेहरे पे दिखता है कि दर्द है। मगर मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं आपके साथ कन्याकुमारी नहीं चल सकती हूं, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे हैं, मगर मैं दिल में आपके साथ आपके साइड में चल रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप अपने लिए नहीं चल रहे हो, आप मेरे लिए चल रहे हो और आप मेरे भविष्य के लिए चल रहे हो। और उसी सेकंड में, पता नहीं अजीब सी बात है, उसी सेकंड मेरा दर्द उस दिन के लिए गायब हो गया। दूसरी बात, मैं चल रहा था और उस समय उसी समय वहां पे थोड़ी सर्दी बढ़ रही थी, सुबह का समय था और 4 बच्चे आए पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, तो कह देता हूं, छोटे से बच्चे थे, भिखारी थे, भीख मांगते थे और मेरे पास आए, कपड़े नहीं थे, मैंने देखा शायद मजदूरी भी करते थे तो थोड़ी मट्टी थी उनपे, खैर मैं ये चीजें देखता नहीं हूं, तो मैं उनके साथ गले लगा, घुटनों पे गया, ऐसे उनको पकड़ा मैंने, क्योंकि मैं उनकी लेवल पे रहना चाहता था। और फिर नहीं सुनिए, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था मगर कह दूंगा, तो उनको ठंड लग रही थी, वो कांप रहे थे, शायद उनको खाना नहीं मिला था, छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब अगर ये स्वेटर नहीं पहनते हैं, अगर ये जैकेट नहीं पहन रहे हैं तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए, मगर मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूं, मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने ये खत्म किया, मैं चल रहा था तो हमारे साथ एक व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे कान में बोला, राहुल जी ये बच्चे गंदे हैं, इनके पास आपको ऐसे जाना नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे कहा
वो आपसे और मुझसे दोनों से साफ हैं। तो देश में कभी कभी यह विचारधारा दिखाई दे जाती है। दूसरी बात आपको बता देता हूं, शायद लोगों को अच्छी ना लगे, जब मैं चल रहा था आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी, आपने देखा, आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको यह बात मालूम हो मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। ऐसी बहुत सारी और मैं कहानियां आपको बता सकता हूं। तो फिर मैं कश्मीर की ओर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते पे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिश्तेदार नीचे से ऊपर आए, सॉरी ऊपर से नीचे आए, कश्मीर से अलाहाबाद गंगा की ओर गए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूं। घर मेरे लिए, जब से मैं छोटा था मैं सरकारी घरों में रहा हूं, मेरा अपना घर नहीं है। तो मेरे लिए घर जिसको, जो स्ट्रक्चर होता है, उसको मैंने कभी घर नहीं माना। वो मेरे लिए, मैं कहीं भी रह लूं, वो एक इमारत होती है, वो घर नहीं होता है। घर मेरे लिए एक सोच है, एक जीने का तरीका है, एक सोचने का तरीका है। और यहां पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो उसको मैं अपना घर मानता हूं। अब ये कश्मीरियत है क्या? ये जो शिव जी की सोच है एक तरफ, और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शून्यता कहा जा सकता है, अपने आप पर, अपने अहंकार पर, अपने विचारों पर आक्रमण करना, और दूसरी तरफ इस्लाम में जिसको शून्यता यहां कहा जाता है वहां फना कहा जाता है, सोच वही है। इस्लाम में फना का मतलब अपने ऊपर आक्रमण, अपनी सोच पर आक्रमण, जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं ये हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास ये घर है,
उसी किले पर आक्रमण करना, वही है शून्यता, वही है फना। और इस धरती पे ये दो जो विचारधाराएं हैं, इनका एक बहुत गहरा रिश्ता है और ये सालों से रिश्ता है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं। यही सोच बाकी स्टेट्स में भी है। गांधी जी वैष्णव जनतों की बात करते थे, जिसको हम यहां शून्यता फना कहते हैं, उसको गुजरात में वैष्णव जनतो कहा जाता है। असम में शंकर देव जी ने भी यही बात कही। कर्नाटक से हमारे यहां जो लोग आए हैं, वहां बसवा जी ने ये बात कही। केरल में नारायण गुरु ने ये बात की। महाराष्ट्र ने ज्योतिबा फुले जी ने ये बात की। और यहां इसको हम कश्मीरियत कहते हैं, लोगों को जोड़ना और दूसरों पर आक्रमण नहीं करना, अपने आप पर आक्रमण करना, अपनी कमी देखना। मैंने आपको कहा कि मेरा परिवार कश्मीर से गंगा की ओर गया था, अलाहाबाद संगम के बिल्कुल किनारे, वहां पास में हमारा घर है। तो जब यहां से वो वहां गए, उन्होंने कश्मीरियत की जो सोच थी उसको गंगा में डाला था, गंगा में ले गए उस सोच को और उत्तर प्रदेश में उस सोच को फैलाया था, जिसको उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना तहजीब कहा जाता है। तो उन्होंने, मेरे परिवार ने छोटा सा काम, कोई बड़ा काम नहीं किया। जो आपने उनको सिखाया, जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको सिखाया, लद्दाख के लोगों ने सिखाया, क्योंकि उसमें बौद्ध धर्म भी है, उनके पास भी वही सोच, शून्यता की सोच उधर भी है। वो उसको ले गए और उस विचारधारा को, सोच को गंगा में उन्होंने रखा। तो मैं ये सोच रहा था जब यहां आ रहा था, पैदल चल रहा था, और मुझे सिक्योरिटी वालों ने कहा था कि देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान में चल सकते हो, जम्मू में भी चल सकते हो, मगर आखिरी जो चार दिन हैं कश्मीर में, आपको गाड़ी से जाना चाहिए। वेणुगोपाल जी ने मुझे कहा पहले, और जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्होंने कहा, 3-4 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए, शायद डराने के लिए, कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा। तो मैंने सोचा, नहीं सुनिए, मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं, 4 दिन पैदल चलूंगा, अपने
घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूंगा। और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। क्योंकि मैं, मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। तो मैंने मौका दिया, मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया, गले लगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन सब ने मुझे अपना माना और प्यार से, बच्चों ने, बुजुर्गों ने आंसुओं से मेरा यहां स्वागत किया। मैं अब जम्मू कश्मीर के लोगों से और जो यहां हमारे सेना के लोग काम करते हैं, CRPF के लोग काम करते हैं, उनको मैं कुछ कहना चाहता हूं। सबको, जम्मू कश्मीर के युवाओं को, बच्चों को, माताओं को, सबको, CRPF के, BSF के, आर्मी के जवानों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को मैं कहना चाहता हूं। देखिए, मैं हिंसा को समझता हूं, मैंने हिंसा सही है, देखी है। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे यह बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, RSS के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी है। डरते हैं? नहीं डरते हैं, देखिए डरते हैं। यहां पे हम 4 दिन पैदल चले, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि BJP का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। और इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग, इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। खैर, मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को, बुजुर्गों को और आर्मी के लोगों को, CRPF, BSF लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूं। देखिए, मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था, सुबह ज्योग्राफी की क्लास में था, मैं पढ़ रहा था, सामने बैठा था और मेरी एक टीचर आई, अंदर आई और उसने कहा, राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। मैं बदमाश था, बहुत बदमाश था जब छोटा था, बहन से पूछ सकते हो क्या क्या करता था मैं, अभी भी करता हूं। मैंने सोचा प्रिंसिपल बुला रहा है, मैंने कुछ गलती की होगी, अब मार पिटेगी। वहां पे केनिंग होती थी, मैंने सोचा था अब केनिंग होगी मेरी। मगर जब मैं चल रहा था, जो जिस टीचर ने मुझे बुलाया
उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और जब मैंने उसके शब्द सुने मुझे पता लग गया कुछ गलत हो गया है। मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। 14 साल का था। देखिए ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो मैं अभी कह रहा हूं, ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगी, ये बात अमित शाह जी को नहीं समझ आएगी, ये बात डोवल जी को भी नहीं समझ आएगी, मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझ आएगी, ये बात सीआरपीएफ के लोगों को समझ आएगी, ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवारों को समझ आएगी। तो मेरे उन्होंने मुझे कहा, नाम ओंगमू है उसका, उसने कहा दादी को गोली लग गई, दादी को गोली लग गई। और फिर मुझे गाड़ी में वापस ले गए, प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया, मैं वापस गए। और फिर मैंने वो जगह देखी जहां मेरी दादी का खून था। पापा आए, माँ आई, माँ बिल्कुल हिल गई थी, बोल नहीं पा रही थी। हाँ, फिर क्या हुआ? तो जब जो हम लोग हैं जिन्होंने हिंसा देखी है, ये जो है ना, ये इसको हम बिल्कुल दूसरी तरीके से देखते हैं। ये आप सबके लिए टेलीफोन है, ये हमारे लिए सिर्फ टेलीफोन नहीं है। उसके बाद 6-7 साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलीफोन आया। 21 में टेलीफोन आया, जैसे बहुत सारे, जैसे जो पुलवामा में हमारे सैनिक मरे थे उनके घर टेलीफोन आया होगा, हजारों कश्मीरी लोगों के घर टेलीफोन आया होगा, सेना के परिवारों को टेलीफोन आया होगा, वैसा ही टेलीफोन आया। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूं, पापा मर गए। कहते हाँ। मैंने कहा धन्यवाद, फोन रख दिया। तो मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे
उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूं, मेरे दिल में वही हुआ है जो यहां पे कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है जो फोन कॉल आता है, क्या लगता है वो मैं समझता हूं, मेरी बहन समझती है। तो कल किसी जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा यात्रा का क्या लक्ष्य है, कहा कि यात्रा क्या अचीव करना चाहती है, जम्मू कश्मीर में क्या अचीव करना चाहती है। मेरे उस समय दिमाग में आया मगर मैंने कहा नहीं बोलता हूं, कल भाषण में बोलूंगा। यात्रा का लक्ष्य है कि ये जो फोन कॉल हैं, चाहे ये आर्मी के हों, चाहे सीआरपीएफ के हों, चाहे ये कश्मीर के लोगों के हों, ये फोन कॉल बंद हो जाए। कि ये फोन कॉल किसी बच्चे को, किसी मां को, किसी बेटे को ना लेना पड़े। मेरा लक्ष्य ये जो फोन कॉल हैं इनको बंद करने का है। अब देखिए बीजेपी आरएसएस के लोग आक्रमण किस चीज पे कर रहे हैं, मुझे गाली देते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं जो मैंने आपको शून्यता की बात की, शिव की बात की, उसको मैं समझता हूं और मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि जितना भी वो मेरे ऊपर प्रेशर डालें, जितनी भी गाली लगाएं, जो भी वो करें उससे मैं सिर्फ सीखता हूं। तो मैं एक प्रकार से उनका धन्यवाद करता हूं। मगर जो मैंने आपको बात बोली पहले, चाहे वो कश्मीरियत है, चाहे वो वैष्णो जनतो है, चाहे वो शंकर देव जी हैं, बसवा हैं, नारायण गुरु हैं, तिरुवल्लुवर हैं जो तमिलनाडु के बड़े पोएट हैं, फूले जी हैं, और जो कश्मीरियत हैं, ये इस विचारधारा पे आक्रमण कर रहे हैं। और ये जो विचारधाराएं हैं ये इस देश की नींव है, इस देश की फाउंडेशन है। और आपने जो किया, जो यात्रियों ने किया, हम सब ने किया, इस विचारधारा की रक्षा के लिए किया है। मैंने ये काम अपने लिए नहीं किया, मैं ऐसा काम अपने लिए कभी कर ही नहीं सकता हूं। मैंने ये काम हमारे कांग्रेसी मित्रों को ये अच्छा ना लगे मगर मैंने ये काम कांग्रेस पार्टी के लिए भी नहीं किया है। मैंने ये काम और हम सब ने ये काम हिंदुस्तान की जनता के लिए किया है। और हमारी कोशिश है कि जो विचारधारा इस देश की नींव को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जो विचारधारा इस देश की नींव को तोड़ने की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ हम खड़े हों, मिलकर खड़े हों, नफरत से नहीं क्योंकि वो हमारा तरीका नहीं है, मोहब्बत से खड़े हों। मैं जानता हूं कि अगर हम मोहब्बत से खड़े होंगे, प्यार से बात रखेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। और उनकी जो विचारधारा है उसको हम सिर्फ हराएंगे नहीं मगर उस विचारधारा को हम उनके दिलों से निकाल देंगे। तो आपने, देश की जनता ने हमारा समर्थन किया। हमारी कोशिश है कि हमें, बीजेपी ने एक जीने का तरीका, राजनीतिक तरीका दिखाया है, हमारी कोशिश है कि हम एक और तरीका, जो हिंदुस्तान का तरीका है, मोहब्बत का तरीका है, वो हम देश को दिखाएं, हम देश को याद दिलाएं कि हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है, इज्जत का देश है, भाईचारे का देश। तो हमने जो कहा था, छोटा सा कदम लिया है, बड़ा कदम नहीं है,
नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की। धन्यवाद। जय हिंद। हम राहुल गांधी जी को, उनके सारे नेशनल ये जो पदयात्री थे, और यहाँ पर आज के मौके पर जो हमारे मेहमान दूसरी पार्टियों से आए थे, उनके लीडरान आए थे, CWC के मेंबरान थे, मेंबर पार्लियामेंट, चीफ मिनिस्टर्स, PCC प्रेसिडेंट्स, और जो भी यहाँ आज मौजूद थे, उन सब को शुक्रिया करते हैं और अभी फंक्शन को समापन करते हैं। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे।